और माँ दक्षिणेश्वर काली का दर्शन करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करके यहाँ पे अपना फिर से राजनीतिक एक सफ़र शुरू कर रहा हूँ। तो माँ के पास आके आशीर्वाद लेना था और साथ ही साथ जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 9 साल बेमिसाल कार्य किए हैं, जनता के लिए समर्पण किया है, उसके लिए उनका आशीर्वाद माँ का, और साथ ही साथ 24 में फिर से वो प्रधानमंत्री बने, ये मैंने अपनी तरफ से कामना की है। दादाजी एक सवाल ये है कि बहुत से नेता, मंत्री, डिप्टी सीएम पर आए हैं, क्या आपको लगता है कि बंगाल की राजनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है? नहीं, देखिए यही नहीं है, हम लोग पूरे देश में एक अभियान के रूप में, एक प्रोग्राम के रूप में सभी लोग जा रहे हैं जो सीनियर लीडर्स हैं, और मोदी जी के 9 ईयर्स ऑफ गुड गवर्नेंस को हम जनता तक की पहुंचा रहे हैं कार्यक्रम के माध्यम से, और उसी के तहत मैं भी यहां पे आया हूं और अन्य लीडर्स भी यहां पर बंगाल आए हैं। एयरपोर्ट में रुचिरा बनर्जी को पकड़ा गया है, तो अभिषेक बनर्जी सीधा नरेंद्र मोदी को चुनौती दिया है, क्या बोले? वो राजनीति करते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, मगर एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का काम है, ईडी का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, और उनको उसके खिलाफ कुछ और कहना है तो ईडी को कहें या कोर्ट में कहें, बयानबाजी करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। वेस्ट बंगाल में थोड़ा जगह में बम ब्लास्ट हो रहा है, पिछले दिन एक जो बच्चे की मौत हुआ है, क्या बोले? मैं इतना ही कहूँगा कि टीएमसी की मुख्यमंत्री हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि आप बहुत चीज़ों की चिंता करती हैं, आप चिंता करती हैं कि ऑपोजिशन पटना में कैसे मिले, कब मिले, कुछ अपने लोगों की भी चिंता कर लें कि यहाँ पे इतने बम ब्लास्ट हो रहे हैं और बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं और उसके पीछे कौन है, उसकी चिंता करें, क्योंकि आप मुख्यमंत्री भी हैं, सीएम के साथ आप होम मिनिस्टर भी हैं, ये आपको देखना चाहिए। बालासोर ये ट्रेन हादसे को लेकर के क्या कहेंगे, इसमें कोई साजिश रखी गई? नहीं, देखिए इसीलिए हमने सीबीआई को ये इंक्वायरी दी हुई है, अब सीबीआई देख के बताएगी इसके अंदर क्या है, जब आएगा रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम लोग कुछ बोल सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस का जो एमपी है सौगत राय, वो मीडिया में बोले हैं कि जो गर्मी है, गर्मी के ज़्यादा ये बम ब्लास्ट हो रहा है, क्या बोलेंगे? थोड़ा सा साइंस पढ़वा देना चाहिए, और ममता जी को और अपनी गवर्नमेंट को डिफेंड करने के लिए उनको इस टाइप के बहाने नहीं ढूंढने चाहिए, ही शुड बी मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड, और सीधा बताना चाहिए कि बच्चे कहीं मरे हैं तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है, और जिम्मेदार कोई है तो दोषी कौन है, उस कल्प्रिट को पकड़ के पीछे करना चाहिए, वो एक सरकार का काम होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का, और अनफॉर्चुनेटली आपकी टीएमसी की सरकार जो बंगाल में है वो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं दिखती है। टीएमसी का जो एमपी है अर्जुन सिंह, वो उन्होंने बोला है कि बंगला में जो सस्ता का जो विस्फोटक है वो बम है, और जो ये बम सौगत राय जो ने बोला है उसका सुर में अर्जुन सिंह भी बोला है कि बम बंगला में बम रहेगा तो और क्या रहेगा, क्या बोलेंगे? देखिए एक बम कल्चर हो गया है यहाँ पे, एक सिंडिकेट कल्चर रहा है, अब बॉम्ब कल्चर भी होता जा रहा है, और ये बॉम्ब कल्चर क्यों हो रहा है वो सरकार का जवाब देना है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सरकार कहीं ना चाहे तो नहीं होगी। मैं भी कह सकता हूँ, मैं भी एक स्टेट गवर्नमेंट का से आया हूँ, उत्तर प्रदेश से, कहीं सरकार नहीं चाहती है तो कुछ भी नहीं हो सकता, और कानून व्यवस्था को ठीक कर सकते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी इज़ इन द हैंड ऑफ ममता बनर्जी, तो डायरेक्टली कोई रिस्पॉन्सिबल है तो सीएम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि वही होम मिनिस्टर भी हैं। उड़ीसा का जो बालेश्वर में जो रेल दुर्घटना हुआ है, वो रेल दुर्घटना के बाद जांच पड़ताल के पहले ही सीएम ममता बनर्जी बोल दिए कि ये रेल का गफिलती है। देखिए जाता कि ममता बनर्जी सीबीआई जांच से भाग क्यों रही हैं, उनको इतना डर क्यों लग रहा है, आप भी तो थी 2010 में, आप भी तो रेल